ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जाम्पा ने 4 विकेट चटकाए, लेकिन इस मैच में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बने सूर्य कुमार यादव। T20 की दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज का वनडे में वक्त कुछ खास नहीं चल रहा है। सूर्य इस मैच में भी गोल्डन डक पर लौट गए, यानी पहली बॉल पर ही उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। ये लगातार तीसरा मैच था जब ऐसा हुआ। इसके बाद से फैंस खूब हो हल्ला कर रहे हैं। कैप्टन रोहित शर्मा से भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा उन्होंने इस सीरीज में सिर्फ 3 बॉल्स खेली हैं यार, मुझे नहीं पता इस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए। सच कहूं तो उन्हें 3 अच्छी बॉल्स मिली आज, यानी कि आखिरी वनडे मैच में बॉल इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें आगे आकर खेलना चाहिए था। वो ये बात जानते हैं, वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, हमने पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा है, इसलिए हमने उन्हें रोके रखा। हम उन्हें आखिरी 15-20 ओवर में वही रोल देना चाहते थे जहां वो अपना गेम खेल पाए, पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें सिर्फ 3 बॉल्स खेलने का मौका मिला। ये किसी के साथ भी हो सकता है, उनमें वो पोटेंशियल और काबिलियत है, अभी वो इसे दौर से गुजर रहे हैं। रोहित ने इसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के विकेट्स पर भी बात की। दोनों प्लेयर्स भारत को जीत की ओर लेकर जा रहे थे, पर आखिर में खराब शॉट्स खेलकर आउट हुए। रोहित ने कहा आखिरी के कुछ ओवर्स देखे तो हमें 6 से ज्यादा की रेट से रन चाहिए थे, किसी को तो चांस लेना ही था। हम आखिर के 2 ओवर्स तक इंतजार नहीं करना चाहते थे, हम निडर होकर खेलने की बात अक्सर करते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि वो बॉलर्स को अटैक कर सकता है तो हमें उसे इसकी आजादी देनी होगी, ऐसे में संभव है कि वो प्लेयर विफल हो जाए, पर इसमें कोई हर्ज नहीं, आप इसे सीखते हैं। हम कुछ खराब शॉट्स की वजह से प्लेयर्स को जज नहीं करेंगे, इन प्लेयर्स में बहुत पोटेंशियल है, हम चाहते हैं कि वो जब चाहे ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश करें, हम उन्हें इसके लिए सपोर्ट करते रहेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत अपने घर में वनडे सीरीज हारा हो। इससे पहले भारतीय टीम साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया से ही घर में हारी थी। दिलचस्प ये भी है कि 2019 में वनडे वर्ल्ड कप था और इस साल भी है। इस सीरीज के बाद 31 मार्च से IPL शुरू हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं हूँ गरिमा, इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, और आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। दी ललन टॉप है इंडिया टुडे का डिजिटल फर्स्ट न्यूज प्लेटफॉर्म, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप सिर्फ खबरें पढ़ते ही नहीं, वीडियोस को देखते हैं, पॉडकास्ट को सुनते भी हैं। हम हैं नए जमाने के किस्सेबाज, नई तर्ज पर सुनाते हैं नई कहानियां, कहानियां जो बनती हैं कभी जिंदगी के अनुभवों से तो कभी आंकड़ों से, कभी उतर कर आपके बीच दिखाते हैं जमीनी हकीकत, फैक्ट चेक से खोलते हैं झूठ की पोल, तो कभी चुनावी सरगर्मी के बीच नापते हैं सियासत का तापमान। हम हैं दी लल्लन टॉप, स्पष्ट, सरस, सरल।